एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम ये नोज़पिन बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने मटेरियल लिया है, तो यहाँ पर मैंने कुंदन लिया है और यहाँ पर मैंने सिंपल चेन ली है गोल्डन कलर की, और यहाँ पर मैंने आई पिन ली है, लॉरेट्स ली है, जंप रिंग ली है और यहाँ पर मैंने इयर रिंग भी लिया है। तो ये जो आई पिन है, आई पिन को कट कर देंगे। तो सबसे पहले इससे हम पिन बनाएंगे और इसका जो मुंह है आगे वाला, इसको थोड़ा राउंड कर देंगे। फिर यहाँ पर हम ब्रश लेंगे और ब्रश के ऊपर हम इसको प्रेस कर देंगे, जिससे इसका जो शेप है वो भी शेप आ जाएगा। और फिर इसके बाद इस पिन को थोड़ा प्लार से ठीक भी कर देंगे। और यहाँ पर हम ये चेन लेंगे और चेन को हम पहले इयरिंग हुक से कनेक्ट कर देंगे। तो इयरिंग हुक का जो मुंह है उसको ओपन कर देंगे और इसके अंदर हम चेन को डाल देंगे। और इसके बाद जो लॉरेल्स है और जंप रिंग है छोटी, तो जंप रिंग के अंदर हम लॉरेल्स को डालेंगे और उसके अंदर चेन को भी डालेंगे, जिससे लॉरेल्स और चेन आपस में कनेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से हम पूरी चेन में एक एक लॉरेल्स को अटैच कर देंगे। इसी तरह से सारी लॉरेल्स को इस पर लगा देंगे। और अगर आपको नोज पिन या फिर नोज रिंग की वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारे वीडियोस के लिंक को डालकर रखा है, तो वहाँ पर क्लिक कर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है। देखिए चेन तो पूरी रेडी हो गई है लॉरेल्स के साथ। इसके बाद हम कुंदन को रेडी करेंगे। कुंदन के अंदर जंप रिंग को डाल देंगे, फिर चेन को डाल देंगे और जो लॉरेल्स है उसको भी डाल देंगे। हम इसमें दो लॉरेल्स का यूज़ करेंगे और फिर हम जंप रिंग को बंद कर देंगे और बस लास्ट में जो पिन है, पिन के साथ कुंदन को चिपका देंगे। और इसको पिन में लगाने के बाद ड्राई होने के लिए रख देंगे। एंड देखिए ये ड्राई हो गया है और जो नोज पिन है वो रेडी हो गई है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय न्यू वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड बाय।